전쟁 속에서도 백성을 구하고 존경과 사랑을 받았던 파오발리. 그를 죽음으로 몰아넣은 음모가 밝혀지며 영웅의 아들은 복수를 시작합니다. राज्य की खुशहाली के लिए ये परंपरा है कि राज परिवार की बहू अग्नि प्रस्थान के लिए स्वयं चलकर जाए। राजधानी से 30 कोस दूर जंगल में महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्निकुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करें और जब तक संकल्प पूर्ण न हो पांव रुकने नहीं चाहिए। 왕국의 번영을 위해 26년마다 열리는 신성한 의식이 완료될 무렵 갑자기 날뛰는 코끼리. 까따빠. 마. 섞어 이 성깔새 놀래자. 태우가 위험한 그때. 아, 이렇게 나이. 태우는 따뜻한 성품의 바오발리에게 친아들보다 더 많은 애정을 쏟았고 두 사람은 백성들의 존경과 사랑을 받으며 왕국은 순조롭게 흘러갔는데요. 라지마타 शिवगामी बल्ला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी माँ को मार देना चाहिए जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं क्या रे कुत्ते आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा 아들마저 왕위를 빼앗기자 분노가 극에 달한 비잘라데바. आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है। स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। 카타파는 그들을 경계하고 있었죠. 쿠타 호나 송글리. आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं। कोई और ढूंढो। जी महारानी। बाहु जब होने वाले महाराज राजमहल से बाहर निकलते हैं तभी उनको प्रजा के सुख दुख का पता चलता है जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी 백성들을 살피기 위해 여행을 떠난 파오발리와 카타파 예 है 도시 신하들에게 내심 미안했던 태우는 궁전을 지어주고 선물을 준비하는데 싱하선 나 밀리카 쇼크 만아이 इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा उपहार देकर उसका अपमान ना करें 발라데바는 엄마에게 착한 척 연기를 하며 검은 속내를 숨기고 있었습니다 पिंडारी ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल समाधि बना देते हैं 여러 나라를 돌아다니던 어느 날 कुछ लुटेरे और उनको पकड़ने के लिए भेष बदल कर आए हुए सैनिक अपना कुछ काम कुंडला 왕국의 공주 데바세나에게 첫눈에 반한 파오발리 या बिजली की तरह तलवार चला रही है ये कौन हो सकता सुमा 있는 잔당들을 발견하고 몰래 도와주는 두 사람. 마धव, जी राजकुमारी, उनका ठिकाना पता करो. घोड़े जैसे हो तुम लोग. औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? क्षमा करें राजकुमारी. 메라 반자 만드부티 얼떨결에 바보 연기를 하자 불쌍히 여긴 공주는 두 사람을 왕궁으로 데려가는데요
दो तीरों से एक लक्ष्य भेदना संभव नहीं है। महामंत्री, मेरी बहन के लिए कुछ भी संभव है। ये गदा है, तुमसे नहीं उठेगी। ये भाला है, तुमसे नहीं चलेगा। तलवार कैसे चलाते मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीखो और ऐसे मारो। ओह, ओहो, देखिए तलवार कैसे पकड़ी है। भांजे, ये तुझसे नहीं होगा। वाह 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 वाह, क्या मारा है प्रभु, बिजली की तरह तेज। छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट। 진정한 사랑을 얻기 위해 계속 신분을 속이기로 결심한 파오발리. 수바도 ठीक चल रही थी। प्रभु, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। 쿠마라의 실력을 알고 있던 공주는 낮의 일을 확인하려는데. 아, रुक जाइए प्रभु, जो कार्य सुबह करते हैं वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। सवेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार। क्यों? किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे भी लेकर आओ। जी, जी। कुमार वर्मा ने सुअर को मार गिराया। हो한 번의 실패도 없이 백발백중으로 맞추는 푸른 화살. 공주는 믿지 못하고 파우발리를 의심하는데요. 너를 देखते ही मुझे संदेह हो गया था। तुम्हारी नौटंकी? ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है। ये तो एक नादान बालक है। वो भी देख लेंगे। बहादुर को बुलाया जाए। पुजांगर इब으면서도 끝까지 정체를 숨긴 파오발리. जिस देवी ने मदद का वचन दिया उसी ने हाथ तोड़े। 그가 바라는 대로 대바세나의 마음에도 사랑이 싹트고 있었죠. 바후발리 कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिली चाहिए पिताजी। 대바세나에게 첫눈에 반한 발라데바는 그녀를 빼앗기 위한 계략을 꾸미는데. ऐसी सुंदरता के सौंदर्य भी शर्मा जाए। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भल्ला? हाँ माँ। देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो माँ कैसी? देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूँ। आदरे 생각을 모른 채 굳게 약속하고 군달라 왕국으로 엄청난 스케일의 선물을 보냅니다. 하지만 ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते हो, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। 화를 내며 거절하는 대바세나. महिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। विवाह कर ले और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाए, मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूँगी। हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करे। शिवगामी। 대우는 파우발리가 근처에 있다는 남편의 말을 듣고 그녀를 포로로 잡아오라는 전가를 보내는데. इतना बड़ा प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया, इसका अर्थ ये है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? मुझे ऐसे सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है कि वो मंदबुद्धि। हाँ प्रभु। 발라데바의 계략을 모르는 두 사람은 태우가 말한 아들이 파우발리일 거라 착각하고 있었죠. 그런데 आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे। मुझे नाम से पुकार रहे हो? कुंडला 왕국에 어마어마한 수의 도적대가 쳐들어옵니다. 에 क्या रहे हो कुमार वर्मा, ये पिंडारी है, सबको सावधान करो।
कोई हम पर हमला कर रहा है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है।바우발리마를 생각하며 여인들을 지켜내는 쿠마라. 라지쿠마리, 나드웨이. 대자! 선발대는 막아내지만 끝도 없이 몰려오는데 카타파와 바우발리는 쿤달라 왕국을 위한 계획이 있었죠. 모든 일이 끝나고 태우의 전원이 도착하는데 아프고 번디 번하는 길이 라지마타 시우가미가 아데시 아프고 라지마타 건해 앞 마히스마티 께 호네 발에 삼라 아마레인드라 바후바니 संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं उनके आगे झुकते नहीं हैं महाराज मेरे साथ बंदी बन कराओ इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे मैं तुम्हारा हूं देवसेना ओएल 거라 생각한 바우발리는 그녀와 함께 마이시마티로 향합니다. मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है देवसेना क्या कर रही हो मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है ये क्या कह रही है राजमाता मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है ये सब क्या हो रहा है कटप्पा ओएरल 풀어보려 하지만 रुक जाइए मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है इतनी भी बुद्धि नहीं है देवसेना의 성격은 불같았죠 देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया मां देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है आपसे भूल हुई मां देख लिया शिवगामी तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया अपनी मां के वचन का कोई मूल्य नहीं कोई मर्यादा नहीं वांग्वा देवसेना 중 선택하라는 태우 सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं ये आपकी परवरिश का अपमान होगा मां मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा ठीक है आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा मेरा वचन ही है शासन 발라데바는 왕좌를 차지합니다 माहिष्मती अश्वदलम विनम्र कुम्भग्न आसम
हट गई श्रेणी। उपविशः।화려한 대관식과 함께 왕위에 오른 발라데바. उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। बल्लाल देव चक्रवर्ती की। 하지만 अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। 백성들이 진심으로 따르는 왕은 바우발리였죠. भल्ला, अब तो तुम महाराज हो, बाहुबली को मरवा दो। ये किसी को मारने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने का अधिकार अब तक राजमाता के पास है। 분노에 찬 발라데바는 아버지를 통해 태후의 마음을 계속 흔들고 जो अब अपने फन फैला रहा है, एक न एक दिन वो जरूर डस लेगा। मेरे कारण अब दोनों के बीच दरार आ गई, मुझे इसका बहुत दुख है। माँ का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। 대바세나의 임신을 축하하는 날. हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। दो सारा में किदेवा धाली। माँ, तुम उसे माँ कहने का अधिकार खो चुके हो। 태후와의 사이는 시간이 가도 풀어지지 않았고 발라데바는 특별 선물이라며 바우발리를 파직해버립니다. 아기 아코케 사무리 이 सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। किसे कौन सा पद देना है ये निर्णय लेने का अधिकार? 열받은 대바세나는 충격적인 발언을 하는데 आपको माहिष्मती के सिंहासन पर विराजना है और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है, अपना धर्म निभाएं। मां। 그리고 얼마 후 왕궁 행사에 참석한 대바세나। महाराज के आने का समय हुआ है, बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए, कोई बात नहीं, आप जाइए। जल्दी जल्दी आओ। बाद तुम। 그녀는 사령관의 손가락을 자른 죄로 법정에 서게 됩니다. किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई। तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मती का दंड विधान है। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। 아내의 이야기를 듣고 이성을 잃은 바우발리. औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। बाहुबली, बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए? दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को? दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। 두 사람은 법을 어겼다는 이유로 तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। 왕궁에서 추방당합니다. 백성들과 살게 된 바우발리는 왕자의 흔적은 벗어던지고 그들의 삶에 필요한 도움을 주며 더 큰 사랑과 존경을 받게 됩니다. 바우발리에게 다가가는 암살자를 발견한 쿠마라. 왕과 그의 아버지는 미행을 눈치채고 연기를 하고 있었는데요. 아가라, 비치미 아예 또 풀 정확히 앞머리 뺐다.
구마라는 미끼를 물어버립니다. 손리야, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ. अब सिर्फ एक ही रास्ता है. वो क्या है? बल्लाल देव की हत्या करनी होगी. हाँ?이 나라 왕실에 대해 잘 몰랐던 그는 함정에 빠져버렸고 마하라즈코 비 라후루한 कर दिया. 바후발리코 맞다오가. 바후발리가 암살을 지시했다는 거짓말을 믿을 수밖에 없었던 태후. 바후발리코 मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी. तो क्या तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली की मृत्यु तय है. इतिहास में उसे छोटे भाई का हत्यारा लिखा जाए. 그녀는 카타파를 이용해 백성들 몰래 바오발리를 죽이기 위한 일을 꾸미는데. मैं ये नहीं कर सकता. आप मेरा सर काट दीजिए. तुम मारोगे उसे या चाहते हो कि मैं मारूं? ये पाप आपके हाथों से नहीं हो सकता. मैं ही मारूंगा उसे. कटप्पा को राजद्रोह के अपराध में दंड दिया जा रहा है. हमारी बच्ची को गोद में लेने का वचन दिया था. उन्हें सुरक्षित ले आइए. कटप्पा를 풀어주던 그때 복수를 미끼로 칼라케아도 불러들였죠. 무지 저도 이스콜라함께 프라노 감물리 तुमसे अधिक नहीं है. तुमने मेरी पत्नी को वचन दिया कि तुम मेरे बेटे को गोद में खिलाओ. जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा. कटप्पा를 풀어주고 혼자 전투에 나선 파오발리. 남은 적을 처치하던 중 카타파에게 칼을 던져주는데 라지아 대시 마후 마카 ध्यान रखना. 내 तुझ पर बेकार ही शक किया कटप्पा. तू मेरा ही कुत्ता है. 시체의 분풀이를 아는 발라데바에게 모든 진실을 듣게 되고 गलत किया तुमने शिवगामी. बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था कि अपने ही बेटे का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देख पाई. आप जानती उसने क्या कहा? मां का ध्यान रखना. 발라데바가 꾸민 모든 일을 이야기하던 그때 इन नन्ही किलकारियों को मुसल दो शिवगामी. इस बच्चे की मृत्यु से मां हिस्मति शत्रु मुक्त हो जाएगी. बाहुबली की महानता को समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई. 실수를 깨닫고 후회하는 시바가미. ये घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभाल लूंगा. 백성들 앞에서 그녀는 अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं. महेंद्र बाहुबली. महेंद्र बाहुबली. बाहुबली의 아들을 왕으로 임명하지만 세니코 बच्चे को जान से मार दो. 발라데바 부자는 대비책이 있었고
도망칠 수 없었던 대바세나는 아이를 태우에게 부탁합니다. 마힌드라, तुम्हे वापस लौट कर आना होगा। माहिष्मति तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना?친엄마까지 죽이려는 발라데바. 대우는 숨이 끊어지기 전까지 바우발리를 지켜냈고. इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूं। 대바세나는 고통 속에서 아들을 기다렸던 것이었죠. नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। बाहुबली는 백성들을 결집해 반란을 일으키고 मुझे देवसेना चाहिए। 그 소식은 발라데바에게 전해집니다. जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा विद्रोह कर चुका है महाराज। कटप्पा कुत्ते जैसा वफादार कटप्पा विद्रोह क्यों कर रहा है? वांगजाए 잘린 머리를 보내는 대바세나. जिसने उसका साथ दिया है एक एक का सर कटना चाहिए। हतप्रवीरा! फिर उसके आते ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो देवसेना? 수많은 병사들과 힘겨운 싸움을 벌이는 사이 대바세나를 납치해가는 발라데바. इतने वर्षों तक तुम्हारी मां ने प्रतीक्षा की तुम्हारी मृत्यु के लिए। बाहुबली की तरह सोचो। 평정심을 찾은 바우발리는 신박한 방식을 시도하는데. नीचे करने वाले अधिकारी कहाँ? ढूंढो उन्हें। क्या कर रहे हो कटप्पा? अपनी भूल को सुधारो। आज हमारा सच लौट आया है। कटप्पा कभी वचन नहीं तोड़ता प्रभु।성안으로 진입한 반란군. 아그니 तैयार करो अवंतिका। 대바세나의 의식과 함께 마지막 전투가 시작됩니다.
전쟁과 훈련으로 다져진 발라데바는 만만한 상대가 아니었고 अग्निप्रस्थान इसे भंग करवा दीजिए देव सेना के पांव रुकने चाहिए 왕의 측근들은 의식을 방해하는데 복수를 완성하는 대바세나 마이슈마티엔 평화가 찾아오고 바우발리는 왕이 됩니다 인도 영화 중 희대의 히트작으로 평가받는 바우발리 시리즈는 1편 흥행에 이어 2편까지 약 2,800억의 수익을 내며 성공을 거뒀는데요. 현실감이 떨어지는 과한 연출 때문에 호불호가 갈리기도 하지만 웅장한 스케일과 동화 같은 스토리 때문에 무기력할 때 보면 에너지가 솟는 영화라 생각하며 바우발리 추천드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 즐겁게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.